हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज मैंने बनाई है बिल्कुल ही न्यू रेसिपी, जो हमारे घर में अक्सर रोटियाँ बच जाती हैं। तो जैसे हम बासी रोटियाँ जो लोग नहीं खाते हैं, उनका इस तरीके से आप नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी नाश्ता बनता है। ये देखिए, मैंने बासी रोटी का नाश्ता बनाया, जो रोटियाँ मैंने सुबह बनाई थी, और ये नाश्ता मैंने बनाया है लगभग 3 बजे के करीब। तो देखिए कितना अच्छा, कितना टेस्टी नाश्ता बनकर हमारा हुआ है रेडी। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई रोटी का टेस्टी सा नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तेल को हमें गरम कर लेना है। तेल गरम होने के बाद इसमें हमें डाल देनी है प्याज। ये लंबे लंबे स्लाइस में काट के प्याज डाली है। ये डाल ली है मैंने मिर्च। इसके साथ ही हमें डालना है टमाटर और ये शिमला मिर्च। अगर आप और सब्जियां डालना चाहते हो, जैसे गाजर हो गई, बीन्स हो गई, तो वो भी डाल सकते हो। अब सारी सब्जियों को हमें हल्का सा सोफ कर लेना है। यहाँ पर देखिए, आज मेरे पास रोटियां बची हुई हैं, तो इन्हीं रोटियों का आज मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो देखिए क्या करना है हमें, इस तरह 2 रोटी ले लेनी है और उनको इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है ऐसे। और फोल्ड करने के बाद आप इनको कैंची से भी काट सकते हो और चाकू से भी काट सकते हो। इस तरह हमें इसको कट कर लेना है ऐसे। देखिए इससे क्या होगा, इनके देखिए लंबे लंबे स्लाइस से हो जाएंगे, जैसे हम चाउमीन बनाते हैं ना, उस तरीके से। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 2 मिनट तक सारी चीज़ों को हमें और पका लेना है। देखिए सारी रोटियां भी मैंने काट ली हैं, इनको ऐसे सारे पीसीज को हमें अलग अलग कर देना है इस तरह से। अब सारी सब्जियां जो हमारी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो रोटी हमने काट के रखी थी वो रोटी, और हल्के हाथों से सब्जी के साथ हमें एक रोटियों को मिला देना है ऐसे। ये जो नाश्ता होता है बहुत ही टेस्टी बनता है, इससे रोटियां भी यूज में आ जाती हैं, बच्चे भी इसको शौक से खाते हैं। और धीमी आंच पे इसको 2 से 3 मिनट तक हमें पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही हमें इनको पकाना है। देखिए तो इस तरह का नाश्ता बनकर ये हमारा तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनकर हो गया है तैयार खाने के लिए। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा इस नाश्ते को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।